अच्छा, हमारे सोशल मीडिया का एक बहुत ही अलग नियम हो चुका है कि अगर आपने किसी भी चीज के बारे में एक बार नेगेटिविटी कर दी तो हमेशा उसके लिए नेगेटिविटी ही करनी पड़ेगी, पॉजिटिव तुम उसके बारे में कभी नहीं बोल सकते, वो इंसान चाहे जितना ही सुधर जाए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो लोगों की नजरों में तुम्हें जो है समोसा क्रिटिक या फिर पैसा खाने वाला आदमी या फिर जो है व्यूज के चक्कर में प्रभास के फैंस को इंप्रेस करने वाला आदमी कहा जाएगा। बात आपको नहीं समझ में आ रही तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब आदि पुरुष मूवी का टीजर आया था तो इसको लेकर ढेर सारा क्रिटिसिज्म हुआ था, एंड आपन भी उन्हीं लोगों में आते हैं जिन्होंने इस टीजर को क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज आपकी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा था, चाहे वो प्रभु श्रीराम जी का कैरेक्टर हो जाए या फिर जूते पहने हुए या फिर अलग से जो कैनवास के कपड़े डाले थे वो सारी चीज़ें हो जाए, वो सब चीज़ें परफेक्टली नहीं लग रही थी, एंड इंक्लूडिंग द बजट ऑफ 500 करोड़ ऐसा लग रहा था कि इस पर इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है और इसीलिए अपन डिसअपॉइंट थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस मूवी को पोस्टपोन किया गया एंड इसके बाद जो इसके अलग अलग पोस्टर्स आए तब उनमें कुछ इंप्रूवमेंट लगा एंड ऐसा लगा कि हाँ शायद से इन लोगों ने सही में कुछ चेंज किए हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद आने लगा, तो उस पर लोगों ने तुरंत कहना चालू कर दिया कि ये यहाँ पर चाटुकारिता चालू कर रहा है। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर रही है तो मैं अपना परसेप्शन क्यों नहीं चेंज कर सकता हूँ, लोगों को इस बात से क्यों प्रॉब्लम होती है। सपोज दैट जब हनुमान जी का कैरेक्टर का जो है पहला जो है पोस्टर लीक आया था हमारे आदि पुरुष मूवी का हनुमान जयंती के दिन, तो उस टाइम पर जय श्री राम वाला सॉन्ग भी आया था, एंड उन दोनों चीज़ों को देखकर पहली बार ऐसा लगा था कि उनके मेकर्स ने चेंजेस किए हैं, एंड उसी टाइम से लोगों ने मुझे टारगेट करना चालू कर दिया कि ये बंदा जो है चाटुकारिता करने लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पर भी आदि पुरुष को क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात को लेकर कि इस पोस्टर को हनुमान जी वाले पोस्टर को हम और अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ बात अच्छे की नहीं हो रही, बात हो रही कि उन्होंने जो माल हमको परोसा है क्या वो थिएटर में देखने लायक है, एंड आज सेम यही चीज हुई ट्रेलर को देख के। इतना तो आप सबको पता ही चल गया होगा, अगर आपने देखा है, आप किसी ब्लाइंड फैन की तरफ या फिर ब्लाइंड हेटर के जैसे नहीं हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा या फिर तुम्हारी अंतरात्मा को भी इतना तो जरूर पता ही होगा कि ये ट्रेलर एक प्रॉमिसिंग ट्रेलर लग रहा है जिसके बेसिस पर हम इस फिल्म को 3D में थिएटर में देखने जा सकते हैं, एंड न्यूट्रल पब्लिक के बीच में इस ट्रेलर ने एक अच्छी खासी जगह बनाई है। तो अगर ट्रेलर पसंद आया है तो इसके बारे में मैं पॉजिटिव क्यों ना बोलूं। जब मुझे टीजर पसंद नहीं आया था तब मैंने उसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई थी, लेकिन जब मुझे ट्रेलर पसंद आ रहा है तो मैं क्यों कतरा रहा हूं या फिर लोगों को ये बात क्यों हजम नहीं हो रही है कि हाँ ये बंदा ट्रेलर को अच्छा कैसे बोल सकता है। इस मूवी के बारे में मेरा हमेशा से एक परसेप्शन था कि अगर इन्होंने इस ट्रेलर को एक एवरेज लेवल पर भी रखा तो स्टोरी ही इतनी बवाल लेवल की है कि पूरे इंडिया की आस्था जुड़ी हुई है, और अगर प्रेजेंटेशन स्टाइल सही होता है तो पब्लिक वैसे भी जाने वाली है, एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे इस पर कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं नजर आई। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर यूँ कह लें कि डायरेक्टर का हम विजन भी उसे बोल सकते हैं, जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर जो कि प्रभास सर ने प्ले किया है, आवाज़ तो एकदम सॉलिड कसरत कर सर की लग रही है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन तरीके का था, लेकिन जो मॉस्टेज वाला लुक था उस पर लोगों का कहना था कि ऐसा लुक नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसे एक डायरेक्टर के अपना क्राइटेरिया बोलूंगा कि ओम रावत इसे इसी तरह से दिखाना चाहते थे। एज लाइक आपको एग्जांपल के लिए दे दूं कि जब ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी तो उस टाइम पर शिवा के अंदर की जो पावर्स थी उनको दिखाने के लिए उन्होंने फ्लेम को बहुत ही जो है इन्हांस करके दिखाया था, तो लोगों का कहना था कि ये आग आग जैसी लग नहीं रही है, एंड मूवी देखने पर हमें ये पता चलता है कि वो आग फायर वाली यानी कि लाइटर से जलने वाली आग नहीं बल्कि उस पावर को डिनोट कर रहा था जो कि शिवा के अंदर थी, एंड वही सेम आग उसके फादर यानी देव के अंदर भी होती, तो दोनों के डिफरेंट जो है कलर्स थे, और वो एक डायरेक्टर की चॉइस थी कि वो अपने कलर्स को किस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाना चाहता है। तो ओम रावत सिंह की भी चॉइस हो सकती है कि हम जो है आदि पुरुष यानी कि जो हमारे राघव का कैरेक्टर है रामायण से इंस्पायर्ड, प्रभु श्री रामचंद्र जी से इंस्पायर्ड है, उसको हम इस तरह से ही दिखाना चाहते हैं, एंड अगर ऐसा है तो भाई सब दिक्कत ही क्या होती है। अब मुझे बहुत सारे लोग आज सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा है इन चीज़ों को लेकर, तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आदि पुरुष टीजर को जो है क्रिटिसाइज किया था, एंड आज उसके चेंजेस के बाद जबकि पब्लिक को पसंद आ रहे हैं तब भी वो उसे क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग में अगर मैंने निगेटिविटी करी है तो मुझे लास्ट में भी निगेटिविटी करनी है वरना पब्लिक मुझे पेट बोलने लगेगी। खैर इस चीज़ पर तुम्हारा क्या कहना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करता है तो उसको लेकर क्रिएटर्स का जब माइंड सच में बदल जाए तो उन्हें अपनी असली वाली बात सामने रखनी चाहिए या फिर बस पब्लिक को दिखाने के लिए देखो मैं कितना कूल हूँ, मुझे विजुअल इफेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, ये नौटंकी करके जो है व्यूज छापने हैं, या फिर पब्लिक को उल्लू बनाना है, या फिर अपने आप को एक
बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंट क्रिटिक्स कहलावाना है, ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं खुले दिल से आज भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने टीजर को लेकर नेगेटिविटी करी थी, एंड आगे चल के अगर इस मूवी से ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है तो ऑफकोर्स मैं उस पर सवाल जरूर उठाऊंगा, लेकिन जब कोई चीज मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है तो मैं जबरदस्ती का ज्ञान तो नहीं पेलने वाला कतई। फिर जो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे वो उनकी मर्जी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर, इन सारी चीजों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। आदि पुरुष मूवी के ट्रेलर के अंदर की कुछ हिडन डिटेल्स पर मैं अगला वीडियो पेश करूंगा या फिर किसी और टॉपिक पर, लेकिन आदि पुरुष से रिलेटेड ही होगा। तो इस मूवी से अप टू डेट रहने के लिए, या फिर मेरा अगर तुम्हारी थॉट पसंद आती है, तुमको मेरी थॉट पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय, जय हिंद।